यही चीज पीछे जाऊंगा ना तो ये देखो पीछे जाऊंगा तो फिर टिल्ट तो होता ही नहीं भाई। एक गाइस जब गाड़ी स्ट्रेट होता है तो मैं टिल्ट एकदम दो पांव और अपना एग्जॉस्ट नॉट को भी चेक करें। एक्चुअली ना एग्जॉस्ट नॉट के बारे में एक अलग सा वीडियो आपको देना है। फिलहाल तो अभी ना हम यहाँ से निकल रहे टूवर्ड्स पगला झोड़ा की ओर, एंड जो मेन रीज़न है आई थिंक वो तो टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल चुका है कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, आज हम ना जो शॉर्ट हाइट राइडर्स लोग का जो क्वारी था लाइक हिमालयन के चलते ना उनके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी व्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो ना, अच्छे ही रहना। सो गाइस वी गोना टॉक अबाउट द हाइट इशू ऑफ शॉर्ट हाइट राइडर्स के बारे में टुवर्ड्स हिमालयन 450, क्योंकि मुझे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार मतलब भैया आपका हाइट क्या है एंड लाइक आप संभल पा रहे हो कि नहीं, कितना लाइक लाइट वेट टू हैंडल दिस बाइक कहकर काफ़ी लोगों का सवाल था। क्योंकि बींग ए शॉर्ट हाइट राइडर गाइस मेरा भी ये मतलब फर्ज बनता है कि आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ कहकर। हाँ, एक चीज़ ये कि यार मतलब सोच में आ जाते हैं हम कि ये मशीन खरीदे कि नहीं कहकर, क्योंकि यार मतलब पैसा फेंकेंगे तो फिर वो कम्फर्ट लेवल चाहिए होता है हमें। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा हिमालयन 452 के बारे में कि दो तरीके के इशू रहते हैं एक्चुअली हाइट और मतलब बाइक को लेकर। एक जो इशू है वो है हाइट इशू गाइज, कि बाइक का क्या हाइट है एंड लाइक आप उसको किस तरीके से हैंडलिंग कर पाओगे कहकर। दूसरा इशू है गाइज वो है हाइट प्लस वेट, एंड ये बहुत मैटर करता है एक्चुअली यार मतलब शॉर्ट हाइट राइडर्स लोगों को, क्योंकि ये इजी टू हैंडलिंग नहीं होगा मैं कह देता हूँ आपको। क्योंकि अगर आप यूज्ड टू नहीं हो, अगर आप हाइट को लेकर यूज्ड टू नहीं होना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होने को है, एंड वही दिक्कत मुझे हुआ था पहला दिन। मुझे पता था हाइट को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं, बट या वेट को लेकर मैं थोड़ा सा कंसर्न था इस मशीन को लेकर। एंड जो इनका जो सीट हाइट है वो है 825 द लोवेस्ट, एंड आप उसको ना 845 mm तक ऊँचा कर सकते हो। जैसे कि हम शॉर्ट हाइट राइडर्स वाले के लिए 825 वुड बी द बेस्ट, एंड जो जिनका हाइट अच्छा खासा है वो 845 mm तक खींच सकते हो एंड आप अपना राइड को ना कंफर्टेबल कर सकते हो। कंफर्ट के मामले में ना थैंक यू यस। चलो गाइस थोड़ा सा भाई लोग मिले, अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से बात करते हो। बट आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ कंफर्टेबल आई एम विद दिस मशीन कहकर, क्या है तो जब मैं चढ़ता हूँ तो यार मतलब कोई दिक्कत नहीं। इस बार क्या है हिमालयन ने क्या किया है, जो इनका साइड स्टेन है ये थोड़ा सा और डाउन कर दिया, लाइक गाड़ी हल्के से लीन होकर बैठता है जब हम पार करते हैं, एंड इससे क्या होता है हम आराम से चढ़ सकते हैं। ये देख सकते हो, ये देखो, ये रहा एक तरीका। एंड जो दूसरा तरीका है आप फुट रेस्ट को ना यूज़ कर भी ऐसे चढ़ सकते हो, एंड ऐसे तब काम आएगा जब आपके साथ सैडल बैग होगा या पेनियर्स लगे होंगे तो आप कुछ इस तरीके का टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एंड जो दूसरा है गाइस, अब बैठ तो हम गए एंड गाड़ी को हमने पार्किंग में लगा दिए, एंड गाड़ी को कैसे मतलब खड़ा करें तो यहाँ पर क्या करते हैं हम नॉर्मली ये ऐसे रखते हैं लाइक सीधा ऐसे उठा देते हैं, तो ये तो सही है, ये सही है एंड लाइक ये तब सही रहते हैं जब आप गाड़ी को ना अच्छे से पार्किंग एरिया में वो जगह दे के पार्क करते हो। पर दिक्कत तब होती है जब आपको ना पार्किंग इस तरीके का मिलेगा जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा ही लीन होता है, ज़्यादा ही डाउन होता है एंड लाइक उठाने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो वहाँ पर एक छोटा सा टेक्निक यूज़ करें, बाइक का जो हैंडल है ना वो राइट तरफ ऐसे मोड़ दे ऐसे, एंड बस ये राइट फुट से ना यहाँ पर हल्का प्रेशर दे या यहाँ पर भी प्रेशर दे सकते हो। तो ये देखो आराम से उड़ गया एक ही बार में। तो ये टेक्निक आता है लाइक ज़्यादा ही जहाँ पर लीन होता है बाइक एंड जहाँ पर उठाने के लिए दिक्कत रहता है तब ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूँ गाइस, जब ये बाइक आप लोगे ना तो पहले हफ्ता दिन आपको थोड़ा सा भारी लगेगा। वैसे वेट तो है इनका 196 kg, एंड भारी इसलिए भी लगेगा क्योंकि जो इनका ये सॉकर है गाइस ये USD सॉकर है, आप देख सकते हैं ये सॉकर इनका नीचे, एंड ये नीचे होने के कारण ना हैंडलिंग आपको थोड़ा सा भारी सा लगेगा पहला या मतलब काफ़ी दिनों तक। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, एंड इससे क्या होता है जो हैंडलिंग आप करते हो ना ये थोड़ा सा दिक्कत होगा पहला 10 दिन जैसा, एंड उसके बाद जैसे जैसे आप इसको चलाते जाओगे ना उसके बाद ये ईजी एंड लाइट सा बन जाता है। आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ गाइस, जब हम बैठते हैं ना जो मेरा टो है वो किस लेवल से बैठता है, सो ये चेक करें।
ये देखो गाइस, जब गाड़ी स्ट्रेट होता है तो मैं टिल्टो, एकदम दो पाँव टिल्टो, एंड अगर मैं अपना लेफ्ट फुट को फुट रेस्ट पर रखता हूँ तो ये चेक करें, तो राइट फुट से मैं आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ बाइक को, कुछ ऐसा। एंड जब भी मैं राइड करता हूँ ना, तो मैं जब ट्रैफिक में रहता हूँ तो मेरा पाँव, दोनों पाँव नीचे नहीं आता है, क्योंकि एक पाँव को ही मैं बैलेंस करने के लिए रखता हूँ। जैसे कि राइट, हमेशा राइट या लेफ्ट, किसी एक पाँव ऊपर ही रहता है, एंड ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना रहता है। तो सीट है ना गाइस, ये काफ़ी चौड़ा, काफ़ी ब्रॉड दे रखे हैं। हम ना हाफ सीट ही यूज़ करते, जब हाफ सीट यूज़ करते तब हमारा जो टो है वो ग्राउंड लेवल पर जाता है। अगर हम फुल सीट यूज़ करेंगे ना, तो फिर हम टो भी नहीं पहुँचेगा ग्राउंड में। एग्जांपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने बैठा यहाँ पर, मैंने गाड़ी को स्ट्रेट की, सो ये देख सकते हो टिल्ट हो रहा है बोथ साइड। यही चीज़ पीछे जाऊँगा ना, तो ये देखो पीछे जाऊँगा तो फिर टिल्ट तो होता ही नहीं भाई। हाँ, एक से थोड़ा सा दिक्कत है, बट इट्स नॉट कम्फर्टेबल। ये चेक कर रहे, ये पीछे जाऊंगा ना तो फिर होगा ही नहीं ये। जैसे कि ये, अगर मैं पीछे ये अगर यूज़ करने के लिए जाऊंगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा गाड़ी को, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है हम जैसे राइडर के लिए। सो ये तो दिस इज़ लाइक, चलाने में भी आपको दिक्कत होगा, एंड लाइक कंट्रोलिंग में भी आपको दिक्कत होगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग राइड तो होगा ही नहीं ऐसे। तो हम क्या करते हैं, हम ना ये स्पेस को यूज़ करते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, लाइक गाड़ी को हैंडल करने के लिए। और एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट हाइट हो, अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो, एंड अगर कोई पिलियन बैठकर आपके साथ जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा। एंड एडवांटेज किस हिसाब से मिलेगा पता है, जो सस्पेंशन है ना गाइस, इनका बहुत अच्छा है, सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड है। बट अगर आप पिलियन यहाँ पर किसी पिलियन राइडर को रखोगे ना, तो फुट है उसको थोड़ा सा और इजी टू हैंडल कर सकते हो बाइक को। एंड जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे भाई को, सो ये चेक कर सकते हो, जैसे ही हमारे भाई बैठे गाड़ी, आप देख सकते हो कैसे हल्का सा नीचे हुआ है। तो ये चेक करें मेरा फुट, और मतलब हम अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे बाइक को। एंड जब भी पिलियन बैठ कर हम चलाते ना, तब अच्छा से कंट्रोल होता है, एंड बैलेंसिंग में और हेल्प होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पांव जो है ना अच्छे से ये फुट मतलब ज़मीन को छो रहे होते हैं, तो एक पांव से तो और भी हम कंफर्टेबल। ये देखो पूरा फ्लैट, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुद ही मतलब लीन हो रहा हूँ हल्का सा, मैं क्योंकि स्ट्रेट नहीं हूँ यहाँ पर। अगर स्ट्रेट रहूँगा तो दो पाँव बराबर ज़मीन पर। सो गाइस, ये तो रहा 5.5 जो मेरा हाइट है एंड इस बाइक को लेकर, एंड मेरा भाई 5.7 यहाँ पर, नीमा भाई। हेलो। तो नीमा अपना बाइक पर बैठेगा, एंड इनका जो फुट है वो ज़मीन पर किस हिसाब से लगता है वो देखना पड़ेगा, पहले हैंडसम होना ज़रूरी है। सो ये चेक करें, ये है ना, दुईटा खुटा दुईटा रखा था। सो ये चेक करें गाइस, नीमा का भी दो पाँव बराबर ज़मीन पर, एंड एउटा पाँव उठाउँदा, सो जब एक पाँव ये रख रहा है तो दूसरा पाँव फ्ल्याट है, फ्ल्याट छ तिम्रो लेफ्ट या लेफ्ट, वो फ्ल्याट होकर आराम से वो हैंडल कर पा रहा है। 5.7 के साथ और एक 5.7 हमारे छोटे भाई, ये देखो आज ही नेचे भाई, आज ही कम्फर्टेबल वाला, ये चेक करें, सजिलो हुन्छ दुईजना बसेपछि। तो नीमा कुछ बताओ, क्या कैसा लग रहा है हाइट को लेकर, बाइक को लेकर? बाइक अच्छा है। मस्त है। मस्त है। और हमरो भाईले मक्खन दौड़ता है। मक्खन दौड़ता है। सो मैं तो ये कहता हूँ गाइज, इफ़ यू आर पिलियन राइडर, फ्यूचर में पिलियन राइड करना चाहते हो, एंड अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड अगर आप सोलो भी चलना चाहते हो विद दिस मशीन, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट यार, क्योंकि यार आपको रोकने वाला कोई नहीं है, बस बैलेंस एंड जो होता है ना टेक्निक्स, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। मेरा तो बस कहना है, क्योंकि मेरे कहने से आपको मतलब वो होता है ना एक शायद जोश और जुनून तो आता है, बट हैंडल एंड लाइक चलाना तो आपको ही है। यही था हाइट, जो शॉर्ट हाइट राइडर्स वाले ना, और जो जिनका सवाल था कि यार मतलब उनका सवाल ये था कि हाउ कम्फर्टेबल आई एम, एंड उनका सवाल ये भी था कि वो मतलब अगर लेंगे तो बढ़िया रहेगा कि नहीं कहकर। तो मेरा तो ये यार मतलब आंसर कि यार मतलब अगर आप लेना चाहते हो देन यू कैन ऑब्वियसली डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई हिचकिचाहट नहीं यहाँ पर, क्योंकि यार मतलब धीरे धीरे ना मशीन के साथ तो आपका वो
अपनापन वो तो बना ही रहेगा। एंड जैसे जैसे आप राइड करते जाओगे ना, वैसे वैसे आप और एक्सपीरियंस होते जाओगे। एंड जितना हैवी बाइक आज के डेट में चला रहे हो, फ्यूचर में क्या पता यार, मतलब 1200 सीसी का चलाना मौका मिले तो फिर उसको तो फाड़ लोगे। वही चीज़ वही सोच कर हमने भी यहाँ पे लिए। एंड कोई दिक्कत नहीं गाइस, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप 5 फुट 3 इंच के भी क्यों ना हो ना, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप 5 फुट के ही क्यों ना हो, यू कैन गो फॉर इट। हाँ, बस अपने कॉन्फिडेंट के ऊपर भरोसा रखें एंड आगे बढ़े। अदरवाइज द मटेरियल द मशीन इज़ लाइक इट्स अ टॉप नॉच। एंड जो एडवेंचर है ना, इससे बहुत कुछ कर सकते हो आप एडवेंचर लेवल में। एंड ये तो बस शुरुआत है हमारा भी। एंड हमने भी अभी तक एडवेंचर तो की नहीं ऐसा, बस एक बार नंबर प्लेट आरसी बुक सब कुछ आए एंड उसके बाद फिर डेफिनेटली वी विल गन आवर रॉक टुगेदर। सो विद दिस इट गाइस, इस वीडियो को भी यहीं पैन कर देते। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय। चाय की जिसकी।